मुश्किलों में घिरी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी, समर्थकों में मची भगदड़। विजयपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में नामांकन रैली और रोड शो करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सभा में कहा कि खुद को किसान हितैषी किसानों का बेटा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वह किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे, जो मिल भी रही है वह भी ब्लैक में, या किसानों के साथ धोखा है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा ने आदिवासी विधायक को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और मंत्री का पद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। यह लड़ाई एक ताकतवर और गरीब के बीच है। आज आदिवासियों को डराया जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। आप सभी मिलकर इन्हें सबक सिखाइए। आपको बता दें कि सहयोगपुर रवाना होने से पहले ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने रीवा में पेड़ से बांधकर पति पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना का उल्लेख करते हुए भी कहा कि इससे भयावह स्थिति क्या हो सकती है। प्रदेश सरकार का गृह विभाग शून्य हो चुका है। भाजपा को अब प्रदेश में नया विभाग बनाना चाहिए, जंगल राज। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय के इस बयान पर कि अगर बुधनी में भाजपा नहीं जीती तो विकास की एक ईंट नहीं लगेगी पर पटवारी ने कहा कि यह अहंकार बोल रहा है। उपचुनाव में दोनों सीटों पर जनता भाजपा के अहंकार का जवाब देगी। 6 बार विधायक रह चुके और पिछले 25 वर्ष से प्रदेश में भाजपा सरकार है, इसके बाद भी विजयपुर विकास के से कोसों दूर है। इसके दो अपराधी पहली भाजपा और दूसरे वन मंत्री हैं। अब दोनों ने ही हाथ मिला लिया है, ये कहना है जीतू पटवारी का।